गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया और कुलपति से चुनाव कराने के लिए तिथि की घोषणा करने की मांग किया। आपको बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के चुनाव का मामला अब हाईकोर्ट के हाथों में है। इसके बावजूद भी छात्र लगातार धरना प्रदर्शन करके चुनाव कराने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को छात्रों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लेट कर प्रदर्शन किया और चुनाव तिथि घोषित करने की मांग की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता राजीव यादव ने बताया, कल हम लोग छात्र संघ में जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दिया है कि समय बीत चुका है, हम चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो उसको लेके कल हम लोगों ने कुलपति को बंदी बनाया। कुलपति को बंदी बनाने के बाद हमने उनसे पूछा कि सर आखिर आपने क्या जवाब दिया, लेकिन कुलपति हम लोग से मिले नहीं। चीफ प्रॉक्टर और पुलिस के आलाधिकारी आए थे, कैंट इंस्पेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि चलिए प्रशासनिक भवन पर आप लोगों की बात कराई जाएगी, लेकिन प्रशासनिक भवन पर जाने के बाद पुलिस प्रशासन जबरिया हम लोग को वहाँ से हटा दिया और कुलपति को मिलने नहीं दिया, जिसके स्वरूप आज हम लोग कुलपति के विरोध में, अड़ियल प्रशासन के विरोध में, आज विश्वविद्यालय मेन गेट पे हम सभी छात्र छात्र नेता और विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र हम लोग जमीन पे लेट के विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध किया गया और ये मांग किया गया, अगर आपने पर्चा दाखिला कराया है तो हम लोग से मताधिकार का प्रयोग ना छीनिए और हमें हमारा नेता दीजिए, छात्र संघ के पदाधिकारी दीजिए, जो विश्वविद्यालय में फैले हुए भ्रष्टाचार को उजागर सके और विश्वविद्यालय में एक स्वच्छ माहौल बना सके। क्या आश्वासन मिला? नहीं, आज ऐसा माहौल बन चुका है कि हमारे कुलपति कुलसचिव प्रॉक्टर कोई छात्रों से मिलने के लिए नहीं आए। ये विडम्बना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की आवाज़ नहीं सुन रहा है और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि कुलपति कह दे रहे हैं बाहरी छात्र आए हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वह राजीव यादव का कार्ड देख लें, मैक्सिमम जो छात्र बैठे उनका कार्ड देख लें कि उनके छात्र हैं, उनकी तो आवाज़ सुने, लेकिन कोई सुनने वाला कोई भी कर्मचारी अधिकारी विश्वविद्यालय का आज नहीं आया जो हमारी बात को सुन सके।